नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। लगातार पांचवें दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। देश में लगातार पांचवें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में उजाल देखा गया है। पांच दिनों में तेल की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल 2.74 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, वहीं डीजल के दाम में 2.83 रुपए प्रति लीटर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबरों की माने तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73.40 से बढ़कर 74 हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 71.62 से बढ़कर 72.22 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारों की माने तो बंद से धीरे धीरे छूट मिलने के बाद निजी वाहन और ऑटो टैक्सी आदि के चलने की अनुमति दे दी गई थी और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। हालांकि बंद के दौरान कंपनियों ने 83 दिनों तक कीमतों की समीक्षा स्थगित कर रखी थी और अब तेल की मांग बढ़ता देखकर पेट्रोल डीजल की मांग में अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अब सभी आम नागरिक पेट्रोल डीजल की कीमत आसानी से SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है जो आपको IOCL की वेबसाइट से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने उनके साथ संभावित क्षेत्र पर चर्चा की है जिनमें दोनों देश सहयोग बढ़ा सकते हैं। वहीं बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात ठीक होने पर इसराइल के प्रधानमंत्री को भारत दौरा करने के लिए निमंत्रण भी दे चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की है कि COVID-19 के बाद विश्व में भारत और इसराइल किस प्रकार से गठजोड़ कर सकता है, जिसमें शोध करने और टीका के क्षेत्र में विकास प्रयास तेज करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से देते हुए बताया है कि मेरे मित्र नेतन्याहू के साथ चर्चा की थी कि COVID-19 के बाद के विश्व में भारत और इसराइल किस प्रकार से गठजोड़ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भारत और इसराइल के बीच भागीदारी और मजबूत होने की संभावना जताई जा सकती है। आने वाले समय में टीवी, फ्रिज, AC और होगा महंगा। आने वाले समय में आम नागरिकों की जेब पर और ज्यादा असर पड़ने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज अब महंगा हो सकता है। COVID-19 की वजह से चीन से सब कुछ बंद है और माल की आपूर्ति में बहुत तेजी से कमी देखने को मिल रही है और यह कारण है कि कीमतों में उछाल आने की आशंका जताई गई है। और वहीं वजह है कि अब रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत और महंगाई का असर कीमतों पर देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब अनलॉक के दौरान AC, फ्रिज जैसे सामानों की डिमांड बहुत तेजी से हो रही है, जिसकी वजह से अब कंपनियां इसके दाम में 5% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी करने जा रही है। आपको बता दें, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज चीन, मलेशिया और ताइवान जैसे देशों पर निर्भर करती है और यही वजह है कि इंपोर्ट प्रभावित हुई है। तो वहीं रुपयों में आई गिरावट ने इंपोर्ट महंगा कर दिया है। जानकार मानते हैं कि इंडस्ट्री इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कस्टमर पर डाल सकते हैं। वहीं COVID-19 की वजह से इंडस्ट्रीज की सेल्स को भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है क्योंकि काफी लंबे समय से सभी काम ठप पड़े थे और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सामानों के लेन देन पूरी तरीके से बंद है। भारतीय अर्थव्यवस्था को दो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दी गुड न्यूज। COVID-19 की वजह से जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है, वहीं दूसरी तरफ अब दो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने की उम्मीद दी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी S&P ने भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा दर की रेटिंग भी BAA3 बताते हुए नजरिया स्टेबल बताया है। एजेंसी के मुताबिक भारत की मॉनिटरिंग सेटिंग में बढ़ोतरी की गई है और रियल विकास दर औसत से ऊपर है और यही वजह है कि एक और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अगले साल यानी कि 2021 में भारत की विकास दर 9.5 हो सकती है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद खबर साबित हुई है। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भी भारत पर भरोसा जताते हुए कहा है कि विदेशी निवेशकों ने विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्था से लगभग $26 अरब, भारत से करीब $16 अरब से अधिक राशि बाहर निकाली है। शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिटेन के प्रकोप के नुकसान में है, लेकिन केवल 3 देश भारत, चीन और इंडोनेशिया के विकास दर 2020 में सकारात्मक रहने का अनुमान लगाया गया है। बंद का लोगों की कमाई पर पड़ सकता है असर। COVID-19 के इस माहौल में सभी काम ठप पड़े हैं और यही कारण है कि बहुत लोगों की नौकरी भी इस वजह से परेशानी में आ गई है। IAS इकोनॉमिक्स बैटरी एवं सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है और यह बात सामने आई है कि 53.2% पुरुषों का यह मानना है कि उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर्वे में यह देखने को मिला है कि लोगों का या तो अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई है या फिर वो पहले की अपेक्षा कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं या उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो पार्ट टाइम करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी तरह 56% महिलाएं राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान आ रही है। जून के पहले सप्ताह में किए गए शोध में विभिन्न पृष्ठभूमि में आने वाले 1397 लोगों से बातचीत की गई है। इस सर्वे में 500 से ज्यादा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले लोगों के बीच में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें COVID-19 के इस माहौल के दौरान आय में कटौती होने की बात कही गई है। EPFO ने 3 दिन में राशि ट्रांसफर करने का किया दावा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने COVID-19 के इस माहौल में अपने खाता धारकों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत EPFO ने अपने नियमों से मार्च महीने में ही छूट देने की शुरुआत कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप खाता धारक अपने खाते में जमा राशि का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं। आमतौर पर EPFO के किसी भी क्लेम का निस्तारण 10 दिन में होता है, लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए EPFO ने अब 3 दिन के अंदर ही लोगों को राशि मुहैया करवाने की सेवा शुरू कर दी है। EPFO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 से जुड़े क्लेम में 3 दिन के अंदर राशि
राशि खाताधारक तक पहुंचा दी जा रही है। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अहम भूमिका निभाई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि मंदी के सामने आने के बाद रिकॉर्ड 5 दिन में पहला ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट सिस्टम तैयार किया गया था। इस सिस्टम के जरिए COVID-19 से जुड़े 54% क्लेम ऑनलाइन सेटलमेंट में किए गए थे। आने वाले समय में दावों का निस्तारण इससे भी कम समय में किया जाएगा। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि बंद के दौरान हर रोज 80,000 दावों का निस्तारण किया गया और हर रोज 270 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान राजधानी में COVID-19 की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनके साथ दिल्ली में COVID-19 के हालात पर विचार विमर्श भी किया गया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मदद का भरोसा भी दिलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के फैसले और उपराज्यपाल अनिल बैजल के दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित नहीं होने के आदेश को लागू करेगी, क्योंकि यह समय असहमति और बहस का नहीं है। अभी दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आने वाले दिनों में COVID-19 के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। अन्य राज्यों में जैसे ही लोग इलाज के लिए दिल्ली आना शुरू करेंगे, दिल्ली के लोगों को जुलाई तक 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि हम केंद्र के फैसले और उपराज्यपाल के आदेश की पूरी भावना के साथ लागू करेंगे, क्योंकि समय राजनीति का नहीं है। विपक्षी दलों ने लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर लगा दिया 73 संपत्तियों की लिस्ट को। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है, जिसके शुभ अवसर पर जहां एक तरफ राजद पार्टी में बीते दिन किसी भव्य समारोह के बजाय 72,000 लोगों को खाना खिलाने का ऐलान जारी किया गया था, वहीं विपक्षी दल ने भी लालू यादव के लिए अनोखा तोहफा पेश किया है। विरोधियों ने लालू के जन्मदिन के मौके पर शहर के कई जगह पर पोस्टर लगवाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू की ओर से लगाए गए पोस्टर में उन 73 संपत्तियों के बारे में ब्यौरा जारी किया गया है, जिस पर लालू और उनके परिवार का हक है। हालांकि जदयू की तरफ से यह साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि यह पोस्टर उनकी ही तरफ से जारी किया गया है, मगर पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर सुबह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह पोस्टर राजद के पोस्टर के करीब लगाया गया है, जिसमें लालू को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। विपक्षी दल द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है कि लालू परिवार का संपत्ति नाम, साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा है कि संपत्ति और राजनीतिक दस्तावेज का यह ब्यौरा है, जिनका श्रृंखला शेष है। वहीं राजद की तरफ से अभी इन पोस्टरों को लेकर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में आज से हो सकती है मॉनसून की शुरुआत। 14 जून तक कई राज्यों में मौसम करवट ले सकता है। हालांकि अभी दिल्ली में मॉनसून की एंट्री में देरी है, मगर दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अपनी रफ्तार में दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यह कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के अंदर मॉनसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उनकी गतिविधियों के कारण दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मॉनसून क्षेत्र को रफ्तार मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में गोवा, कर्नाटक में बाकी बचे हुए हिस्सों में तेलंगाना, ओडिशा, रायलसीमा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 15 से 20 जून के भीतर पूरे भारत में मॉनसून के पहुंचने की संभावना जताई है। कौन बनेगा करोड़पति ने बनाया नया रिकॉर्ड। कौन बनेगा करोड़पति 12 का सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो गया है। हालांकि इस बार सिलेक्शन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड से करवाई गई थी, मगर इस बार कौन बनेगा करोड़पति ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। खबरों की माने तो ऑडिशन के लिए जारी किए गए डिजिटल ऐप के जरिए 3.1 करोड़ लोगों ने ऑडिशन प्रोसेस में हिस्सा लिया था और इस साल पार्टिसिपेशन में 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। शो के 12वें सीजन के लिए सोनी लिव ऐप के जरिए डिजिटल ऑडिशन हुए थे, जिसमें 12,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जो कि पिछले सीजन से 4 गुना ज्यादा है। सोनी लिव डिजिटल बिजनेस के प्रोग्रामिंग एंड न्यू इनिशिएटिव के प्रमुख ने अपने बयान में कहा है कि KBC के लिए डिजिटल ऑडिशन अब तक का सबसे ज्यादा सफल रहा है। वहीं प्रमुख ने यह भी बताया है कि डिजिटल माध्यम के जरिए 3 गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें, KBC 12 के लिए 9 मई को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और 2 हफ्तों तक रजिस्ट्रेशन को चलाया गया था, जहां पर अमिताभ बच्चन ने 14 दिनों तक हर रोज एक सवाल पूछा था। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल ऑडिशन में जनरल नॉलेज टेस्ट का हिस्सा लेने वालों ने वीडियो बनाकर अपना जवाब दिया था। राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट के आयोजन को लेकर कही अहम बात। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने बीते दिन टीम इंडिया के क्रिकेट आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब तक COVID-19 की वैक्सीन को विकसित नहीं किया जाता है, तब तक क्रिकेट अलग अलग प्रारूपों में खेला जाएगा। एक फेसबुक पेज पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक हमें पूरे विश्व को लेकर आत्मविश्वास नहीं हो जाता। वहीं मेडिकल प्रोफेशनल फिलहाल मैं नहीं हूं, लेकिन जो मैंने सुना है कि COVID-19 लंबे समय तक नहीं जाने वाला है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हम इससे और अच्छी तरह से निपट सकेंगे। और यही कारण है कि वैक्सीन जब तक नहीं बन जाता, तब तक क्रिकेट काफी अलग होने वाला है। मुझे लगता है कि क्रिकेट कई मायनों में जीवन की परछाई है, इसलिए मैं इसे प्रभावित हुए बिना नहीं देख पा रहा हूं। जिस तरीके से खेल खेला जाता है जश्न मनाने के लिए ड्रेसिंग रूम में तौर तरीके, तब सब कुछ प्रभावित होने वाला है। अगले महीने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और यह सीरीज अच्छा परीक्षण साबित होने वाला है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 1 महीने के समय में क्या होता है।
उम्मीद है कि यह आगे बढ़े और लोग सुरक्षा के साथ खेले। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से कही दो टूक बात। भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र का नाम शुमार है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड 19 की वजह से 149 लोगों की जान चली गई है। वहीं राज्य में कोविड 19 के कुल मामले 94,041 हो गए हैं। यहां पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या देखी गई है, जबकि 3500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3254 नए मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बंद को लागू करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर बंद लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हमने केंद्र सरकार से कर दी है, क्योंकि लोकल ट्रेन के बंद होने की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी आगे कहा है कि सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने बंद के चरणबद्ध तरीके को लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा, क्योंकि कोविड 19 से उत्पन्न हो रही परेशानियां अभी टली नहीं है। आपको बता दें, भारत में कोविड 19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रभावितों की संख्या 2.8 लाख तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर के शेरों के बारे में दी खुशखबरी। गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या 69% तक बढ़ गई है। साथ ही भौगोलिक रूप से उसके रहने का दायरा भी 36% तक बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गिर के जंगलों में 674 शेर मौजूद है। दुनिया भर में एशियाई शेर सिर्फ गिर के जंगल में ही बचे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हर 5 साल में शेरों की संख्या की जाती है। 2015 में इनकी जनसंख्या 523 थी, जो कि अब बढ़कर 674 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि बीते कुछ सालों में शेरों की संख्या गुजरात के जंगल में बढ़ती जा रही है। इस उपलब्धि के लिए गुजरात के लोग और वे सभी बधाई के पात्र हैं जिनके प्रयास से यह संभव हो पाया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिस्थिति में अवसर तलाशने की कही बात। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कोविड 19 से संबंधित कई सारी बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड 19 से पूरी दुनिया वर्तमान समय में जूझ रही है। भारत भी कोविड 19 का सामना कर रहा है, लेकिन अन्य तरह की परेशानी भी निरंतर हमारे सामने आ रही है। कहीं बाढ़ की चुनौती है, कहीं तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, तो कहीं मौसम खराब होने की वजह से किसानों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम में तेल के कुएं में हुए वाकये ने सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। कई बार ऐसा होता है कि समय हमें पता होता है कि हमारी परीक्षा लेता है, कई बार बहुत कुछ परेशानियां सामने आती है, अलग अलग कसौटी हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हमने यह भी अनुरोध किया है कि इस तरह की परेशानी में हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी कितनी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच हर देशवासी अब सम्मान से भरा हुआ है और इस परेशानी के माहौल को अवसर में कैसे परिवर्तित करना है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पाकिस्तान को सख्त लॉकडाउन की दी गई नसीहत। कोविड 19 ने दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। अब तक 73,50,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या 1.16 लाख तक पहुंच गई है, जिसके बाद WHO ने इमरान सरकार को जल्द से जल्द बंद को लागू करने की नसीहत दी है, क्योंकि बीते 24 घंटे में पाकिस्तान में 5,387 नए मामले सामने आए थे। हालांकि इसके बावजूद पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से बंद के नियमों का पालन करने के खिलाफ है, मगर WHO ने पाकिस्तान को सख्ती से समझाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में जल्द से जल्द बंद लागू नहीं किया गया तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। WHO ने सलाह दी है कि पाक चाहे तो रुक रुक कर बंद लागू करे, मगर सरकार को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। उनको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है कि कोविड 19 के मामले कितनी तेजी से फैल रहे हैं। अमेरिका में भले ही पिछले कुछ दिनों में मामले घटे हो, लेकिन पाकिस्तान की हालत चिंताजनक है। आपको बता दें, कोविड 19 की वजह से पाकिस्तान में जान गंवाने वालों की संख्या 2,297 पर पहुंच गई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर WHO ने पाकिस्तानी सरकार को उक्त सलाह दी है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, लॉकडाउन के कारण बिगड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितना समय लग सकता है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।